नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य बिहार और मैं कैमूर से शुभम सिंह। आज हम आ चुके हैं रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बीजेपी के कार्यशील कार्यकर्ता विधायक, वर्तमान विधायक अशोक जी ने जहां जहां विकास का कार्य किया है और जहां पे विकास के कार्य नहीं हो चुके हैं, आज हम वो सब कुछ कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम रास्ता बहुत सफर का बहुत ही लंबा था हमारा, तो अभी हम एक उसी क्षेत्र के एक ढाबे पर रुके हुए हैं जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जलपान किया। तो आइए वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनके जो कार्यकर्ता विधायक थे माननीय अशोक सिंह जी के बारे में। आइए सर, आपके विधायक का नाम? अशोक कुमार सिंह। जैसा कि वो 5 साल से अपने कार्यशिला में जो भी विकास किए और जो कुछ भी रह गया, उससे आपको क्या लगता है, वो इस बार अगर जीतते हैं तो वो विकास पूरा करेंगे और जो कार्यकाल में वो जो भी विकास किए हैं वो संतुष्टि भरा है या नहीं? जी है, संतुष्टि है, बहुत अच्छा काम किए हैं और कर भी रहे हैं और आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि रामगढ़ क्षेत्र के पूरा हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं, उनका संभव है इस बार भी, संभव का ये निश्चित है, तय है कि वो भी आएंगे इस बार भी। जी, उनके विकास को देखते हुए आप उनको वोट देना चाहते हैं या वो एक बहुत ही चर्चित पार्टी से बीजेपी से खड़े हैं इसलिए? जी, उनको हम काम देखकर, काम के विषय चाहिए ना, उनके हम चर्चित विषय थे और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें काम चाहिए ताकि हमारा गांव घर देश अच्छा आज़ाद रहे, कोई चीज़ का कमी नहीं रहे, है ना, रोड हो, जलपान हो या और कुछ तमाम चीज़ें हैं, ताकि हमें सब सुविधा उपलब्ध मिले, ताकि कोई परेशानी ना हो। अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि उनको इस बार फिर लाया जाए। अच्छा काम, ये एक किसी पार्टी को देखते हुए वोट नहीं देना चाहिए, यही एक अच्छे वोटर का दायित्व बनता है, उसके काम को देख के वोट दें। आइए हम अगले व्यक्ति से बात करते हैं। आप यहीं के निवासी हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम विकास पांडे पड़ेगा। जी सर, आप अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में कुछ दो ऐसी बातें बताएं जो उनके लिए बहुत ही अच्छी हैं और कुछ दो ऐसी बातें बताएं जो जिनसे उनकी जनता उनसे नाखुश थोड़ी बहुत है। जी, नाखुश की तो कोई बात ही नहीं है, और रही बात काम पे की, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा चीज़ तो धड़ौर पंप कैनाल, जो आप हम सभी लोगों के बीच में सबसे बड़ा काम तो यही है, और हमारे विधायक जी के अंदर तो सबसे बड़ा यही काम है कि हर सभी के दुख में तुरंत पहुंचना, सबसे बड़ी बात यही है, चाहे वो कोई बिना जात पात कोई धर्म की कोई बात नहीं है, जहाँ भी सुने और तुरंत पहुँचते हैं वहाँ पर, इसके लिए सबसे बड़ा, और इसी को देखते हुए जनता ने फिर तय कर लिया उनको कि इस बार फिर उनको विधायक बनाना है। किसी से लड़ाई नहीं है, सारे लोग उनके साथ, सारे जात चाहे कोई भी हो, सब उनके साथ है और सब लोगों ने मन बना लिया है कि फिर से उनको विधायक बनाना है। जी, जैसा कि आपने उनके बारे में दो अच्छी चीज़ें बताई, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, आप उनके बारे में कोई दो ऐसी चीज़ें बताएं जो कि उनके स्वभाव में या फिर उनकी जनता उनसे उस चीज़ से नाखुश होती है। देखिए, नाखुश होने वाली तो कोई ऐसी बात है नहीं, विधायक जी तो मान के चलिए वो एक परिपूर्ण व्यक्ति हैं जो समाज को लेके चलते हैं, हर एक मतलब छोटी से छोटी चीज़ों में वो सम्मिलित होते हैं, वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो। बात रही, देखिए हम लोग यहाँ पर वोट देते हैं डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, डेवलपमेंट आने वाले 70 साल हो या फिर RJD की सरकार हो, जहाँ तक हमको लगता है डेवलपमेंट दिखाया तो बीजेपी की सरकार में दिखाया। भाई साहब, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी में मतलब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है तो मैं उसको ऐसे ही वोट दे दूंगा, नहीं। जहाँ तक बिहार की बात है, जहाँ तक रामगढ़ विधानसभा की बात है, डेवलपमेंट दिखा है आने वाले 5 साल में, दिखा है और आगे भी दिखेगा, तो इसके तहत मैं वोट तो बीजेपी को ही दूंगा, ये तो कंफर्म है। और कोई पार्टी दिख नहीं रही है हमको कि जो डेवलपमेंट विकास कर सके अपने, हाँ, जो डेवलपमेंट पर काम करे, तो जो डेवलपमेंट पे काम नहीं कर सकता तो उसको मैं वोट क्यों दूं? नहीं, ये तो क्योंकि युवाओं को डेवलपमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, हर चीज़ में इजली जो कि कैपेबल हो वो चाहिए। जी जी, क्योंकि आज के टाइम पे यूथ सबसे बड़ी वो पावर हो गई है, समझ रहे ना, और यूथ को सब मतलब यूथ को आगे ले जाने वाली जो सरकार है वो बीजेपी है,
ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं नोटिस भी किया हूँ। आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी जी, मैं यहाँ के रहने वाला। आपको इधर का माहौल बहुत ही बखूबी आप भाप चुके होंगे जी। चुनाव का माहौल चल रहा है, कौन कैंडिडेट कैसा है, तो आपको इस बार क्या लगता है, विकास को देखते हुए जनता वोट देगी या जातिवाद को देखते हुए? देखिए, जातिवाद का जहाँ तक बात है, जातिवाद होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है जातिवाद, पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं आम नागरिक हैं, डेवलपमेंट सबसे पहले देखा जाता है। डेवलपमेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे वो कैनाल का जो बन रहा है वो भी मैंने देखा, पिछले 5 साल में मैंने देखा कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे, रोड भी। तो क्या आप यहाँ डायरेक्ट 5 साल बाद आ रहे हैं जो ऐसा आपने? 5 साल बाद, मैंने 5 साल पहले भी मैंने देखा था, पर कोई डेवलपमेंट नहीं था, रोड का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं था, रोड सही नहीं बना था। मीन्स ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जो लगे कि रामगढ़ में विकास हुआ है, लेकिन विकास की काम वो नहीं दिख रही बहुत। हर गांव में गली नली आज के समय 5 सालों में इतना अच्छा काम हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो काम बचे हैं अगले 5 साल में हो जाने हैं। ऐसा ही उम्मीद है रामगढ़ विधानसभा की जनता को कि वो काम को देखते हुए वोट दें, कोई भी कैंडिडेट हो उसके काम को देखते हुए दें, न कि जात पात को देखते हुए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं ढरहर, जो कि पंप कैनल बन रहा है, आगे की खबर हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए दिव्य विहार के साथ। स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि हमारा सफ़र बहुत ही लंबा था, लेकिन हम धीरे धीरे करके उस सफ़र तक पहुँच चुके हैं। आ गए हम ढरहर गाँव में, जहाँ आप देख रहे हैं कार्य प्रगति पर है, ये पंप टनल जो बन रहा है, हमारे सहायक आपको दिखा पा रहे हैं। ये पंप टनल पिछले जब से आज़ादी हुई है तब से इस गांव के लोगों को इस पंप टनल की आवश्यकता थी, खेतों की सिंचाई के लिए, खेतों के विकास के लिए, उनके उत्पादन के लिए। लेकिन ये कोई भी नेता अपनी बस जेब भरने के मकसद से इस चीज़ को पूरा नहीं कर रहा था, लेकिन जब से कार्यशील हुए हैं माननीय अशोक जी विधायक बीजेपी सरकार का, तब से ये पंप कार्यरत है और अभी कार्य प्रगति पर चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे में अभी कार्य लगा हुआ। आइए कि यहाँ के कुछ निवासियों से बात करते हैं इस टनल को लेके, इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इससे क्या क्या जरूरतें पूरी होती हैं गांव वालों की, क्योंकि ये मार्केट से, रामगढ़ जो मार्केट है यहाँ का, वहाँ से तकरीबन 50-60 किलो अंदर ये गाँव पड़ता है, और यहाँ के लोगों की इस टनल से क्या फायदे होने हैं और इस टनल के ना होने से क्या नुकसान थे, आइए हम लोगों से बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम इस विषय पे बातचीत करते हैं, ताकि इस टनल के बनने से इन्हें क्या व्यक्तिगत लाभ है और गांव के इनसे क्या लाभ होना है। आइए जी, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ, जी हाँ। ये टनल आपको कितने सालों से, आप सभी को जरूरत थी इसकी? अरे ये तो बहुत पहले ही का जरूरत था, लेकिन अब बन रहा है सर, तो अब तो बहुत अच्छा हम लोग को हो रहा है, यही हो रहा है। इस टनल के ना होने से जी, जितने सालों से आप लोग इस टनल के ना होने से परेशानियां झेले हैं खेतों में पानी पाने के लिए, उन सब से राहत पाने में ये आपको कितना मदद करेगा? अरे बहुत मदद करेगा, हम लोग का जीवन ही बना दिया करनाल बनने से। हम लोग का सूतना बैठना नहर पर रहता था, अब बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का सर, सबसे बड़ा उद्घाटन ये हुआ है हम लोग को जी। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, आप भी यहाँ के निवासी? हाँ हाँ, निवासी यहाँ के। आपका शुभ नाम? शुभ नाम रामा राय। रामा राय, उर्फ पुतुल जी। जी, उर्फ पुतुल जी। जी, जैसा कि आपके गांव में ये विकास हो रहा है, तो ये जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने, कुछ लोगों ने बताया कि ये आज़ादी से ही इसकी मांग थी, मांग थी, लेकिन पूरा नहीं हुआ जी। आज 30 वर्षों से हम लोग का आज उम्र 50-55 वर्ष का एज है, लेकिन मांग था कोई पूरा करने वाला, न विधायक मंत्री नहीं हुए, लेकिन जो भाई विधायक जी अशोक कुमार सिंह ने जो कर दिए, आज ऐसा न कोई करने वाला आएगा न कोई है। जैसा कि आपने बताया अशोक सिंह जी ने ये कार्य किया। हाँ। अशोक सिंह जी बीजेपी से पिछले 5 सालों से विधायक थे, उससे पहले भी अनेकों वर्षों से बहुत विधायक आए होंगे, बहुत राजद के लोग भी विधायक थे जी, मंत्री भी लोग थे, लेकिन कुछ उनसे, उन सबके सामने आपने, आपके गांव के लोगों ने, या आपने इस समस्या को नहीं रखा? बहुत रखा गया था, हम लोग के पिताजी और अन्य लोग थे रखे, लेकिन जब हम लोग हुए तो देख लिए बहुत मंत्री विधायक उसे नहीं हुआ, तो भाई जी आए अशोक कुमार सिंह जब, तो हम लोग इनके साथ में लग गए, हम लोग बीजेपी से इनको मिला टिकट, हम लोग इनके जिता भी दिए, वो अपना कर्म से जीते। इतना नहर पर पानी के लिए रात दिन किसानों के लिए दौड़ते थे, आज भी परेशान रहते हैं, जितना वो कार्यकाल 30 वर्ष का कार्यकाल वो जो है कि 3 साल में देखा दिए, ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ। इस पंप टनल के बनने से आप सभी तमाम गाँव वालों को
इससे मुख्य क्या क्या लाभ है? इसे हम लोगों का क्या लाभ, हम लोग का एक एक महीना सर हम लोग पानी के लिए नहर पर सोते थे एक एक महीना, आज नहीं भले पानी चले कल तो बन जाएगा चलेगा। तो हम लोग के ये कई ढंढहरे पंचायत नहीं, सात पंचायत करीब करीब हम लोगों का आबाद करेगा ये करनाल। हाँ, मुख्य शहर जो रामगढ़ है यहाँ से, वहाँ से आपका गांव कितनी दूरी पे है? वहाँ से हमारा गांव करीब करीब हम जानते हैं कि 30 किलोमीटर करीब करीब ऊपर है, 35 किलो करीब करीब 30-40 किलोमीटर है। तो ये एक अपने आप में बहुत लंबी दूरी है। इस टनल के बनने से पहले यहाँ पे कोई नहर नाला जिससे कि आपके खेतों को सिंचाई होती थी, क्या सुविधा थी? जी सुविधा रहा ना हो पाओ हम उनके नहर का पानी आते आते यहाँ जो है कि मालूम है कि इधर का धान सूख जाते थे, मर जाते थे। हाँ जी, मेरा आपसे जी कुछ बोला, नहर के परेशानी से ना हम लोग का धान जो है चाहे कोई भी फसल वो जान लीजिए कि हम लोग का मर जाता था और अभी भी मर रहा है। लेकिन अगर एक करनाल जान लीजिए कि सर की अगर बन जाने से हम लोग किसान के लिए बहुत फायदा है, और ये अगर बन जाएगा भगवान करे कि जल्दी बन जाए, हम लोग तो लगे हुए वो कार्य तो लगाएगा तो वो तो बनेगा ही, आज नहीं कल वो तो बनेगा। क्योंकि इसमें किसानों की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। नहर से हमेशा देता नहीं पानी, गर्मी में तो एक बार देता है, उसके बाद में कहानी खत्म। जो बोरिंग वाला है भाई वो अपना जी डालता है फसल, जिसके पास बोरिंग नहीं है तो बस जो हुआ मसूर चाहे जो भी हुआ मोटंजा हुआ, नहीं तो खेत। आप भी किसानी है? हाँ सर किसाने हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग को ध्यान सरकार के हाथ में दीजिए ये बात कि हम कौन सी बात, यही बात कि हम लोग को जल्दी पानी मिले, किसी किसानी किसान को भूख है कि पानी हम लोग को मिले, सुविधा मिले कि हम लोग हर फसल उपस्थित कर सके। जी आपको ले चलते हैं दूसरे यहाँ के निवासी के पास, थोड़ा पास लाइएगा चाचा जी। जैसे कि बिहार में अनेकों लोग लांछन लगाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो बहुत से इलाके में ऐसा है भी कि अगर हम राजपूत हैं तो जितने भी राजपूत वोट बैंक हैं वो मेरे हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान वोट बैंक आपके हैं। ये जो जातिवाद चल रहा है खासकर हमारे बिहार में, तो आप इस जातिवाद को देखते हुए वोट देते हैं या विकास को देखते हुए अपने नेता को वोट देते हैं? नहीं साहब, हम लोग जो विकास करेगा उसके साथ रहेंगे, उसके साथ जरेंगे मरेंगे, समझ ली। जो अशोक बाबू ने हम लोगों को काम दिखा दिया है 3 साल के कार्यकाल में, वो काम किसी ने नहीं किया है और न करेगा। तो हम यही कहेंगे कि मतलब हम अशोक बाबू के साथ हैं और कैनाल से हम लोगों की बड़ी आपासी हो रही है, समझ रहे हैं। पानी पर जो बात बोल रहे हैं हमारे भाई एक, कि हम लोग नहर पर बैठ कर के और रात दिन एक आता था तो दूसरा बेड़ा खोलता था कि हमको उधर जाने दो पानी जी, क्या नहीं हमारा अभी हो जाने दो, लाठी बल्लम गड़सा तक चलता था, लड़ाइयाँ भी होती थी आपसे कि हमारा खेत पहले हम लोग आगे कहे हैं आगे कम से कम हम लोगों का हो जाना चाहिए, मगर दूसरे लोग आते थे कहते नहीं भैया हम लोग को भी छोड़ दीजिए। तो ऐसा है कि हम लोग इससे संतुष्ट हैं, ये कार्य जो अशोक बाबू के हाथों हो रहा है संपन्न, इससे हम लोग संतुष्ट हैं और सारी जनता संतुष्ट है। चाचा आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा बाबा जी कि ये तो एक दिख रहा है साक्षात जो विकास हो रहा है, क्या ये विकास बस यहीं तक सीमित है या फिर आपके क्षेत्र में आपके समाज में और भी अशोक जी द्वारा कार्य हुआ है या फिर उनके जो उनसे पहले जो नेता रह चुके हैं उनके द्वारा कार्य? नहीं नहीं, उनके पहले नेता द्वारा न हो कार्यभार, ये अशोक बाबू के द्वारा कार्यभार है जी। इतनी परेशानी इतनी तकलीफ भइल बा जनता के हर नहर से नहर के जरिए कि वहाँ मार काट भी शुरू रहा बराबर 24 घंटा, लेकिन अब अभी ना ही करनाल तैयार हुआ लेकिन शांति है आ पूरा इंसान के अंदर संतुष्टि है कि नहीं ये बन जाएगा तो बिल्कुल संतुष्टि है। आज संतुष्टि होकर अब सबके अंदर ही संतुष्टि होकर कि अब हमन के पानी जात है जी, नुहा पानी जात बचा, लेकिन ये संतुष्टि है हमन के पानी भरा सकते थे इस करनाल से। आई अशोक बाबू का देन है, बड़ा मंत्री है ना, अरे बड़ा विधायक है ना, लेकिन ऐसा केहू नहीं करते विफल। हमहन के संगे नहर पर गए ना आ उनके पैर में शीशा गड़ गया, कहो अशोक जी के विधायक जी के अशोक जी के ही ना अशोक जी के जी, जी। वहाँ कुल बंधे रहना बेड़ा अब पैर काटे इनके शीशा गड़ गया, लेकिन ऐसा केहू विधायक नहीं भर कर्तव्य जो कि आम लोगों के जो कि जमीन से जुड़ा हुआ और उस चीजों को समझता है। हाँ, आपके कहे का मतलब ये बात हाँ हाँ जी। आ केहू ऐसा जातिवाद जो आप कहते हैं तो जातिवाद मतलब जो मूर्ख हुई वह जातिवाद करी,
नहीं जे कायदे को ही विचारमान हुई वो जातिवाद नहीं करेगा। कार्य देखेगा वो कार्य देखेगा वो कार्य को देख करके जातिवाद पर नहीं जाएगा, काम देखेगा, विकास होगा तो वोट मिलेगा, वोट मिलेगा। चलिए जैसा कि आपने देखा आज का हमारा सुबह से ये सफर लगा हुआ था, ये आपको एक बहुत ही विकास का कार्य हो रहा है बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में आता है, अंतिम छोर है, अंतिम छोर ही है। गांव का नाम माफी चाहिए, उत्तर बिहार, गांव का नाम सर डढ़हर गांव का नाम है। यहाँ पे ये संबंधित जी कानपुर से संबंधित डढ़हर गाँव है और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये बहुत ही 50-60 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो कि ये पिछले हमको उम्मीदन लगता है ये 2 साल से चल रहा है कार्य, जो कि होता है ना एक आप मिलावट से कहिए तो 1 महीने में पूरा हो जाता है, बिहार में तो रातों रात रोड बन जाती है, फिर ये टनल क्या चीज़ है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम हर एक दिन आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग से जीरो से हीरो तक की खबर दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो जनका उनके साथ नहीं है। ठीक जी, हाँ, तो आप बन रही हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। कैमूर से सुम सिंह रिपोर्टिंग, धन्यवाद।